नमस्कार, मैं बिन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैं वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपकी एक गलती आपको एग्ज़ाम से बाहर कर सकती है। तो ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं किया है, अपना फॉर्म आपने नहीं फिल किया, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी ने 2022 से अपने पैटर्न में भी चेंज किया और उन्होंने ये भी चेंजेस किया है कि पहले जो डीबी होता था वो आपका एसएससी पहले कराती थी, फिर आपका डिपार्टमेंट कराता था। तो आपके अगर कुछ गलतियां होती थी, आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती थी, तो वहां पे एक मौका आपको मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है आपके साथ। अब आपका डायरेक्ट डिपार्टमेंट कराएगा डीबी, और अगर आप वहां पे आपने जो भी क्राइटेरिया है अगर वो गलती उसमें की है तो फिर आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से बाहर किया जा सकता है। तो वो गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी है। तो कौन कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है उसके बारे में यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो अगर आपने फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं किया है तो इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, डोंट वेट फॉर लास्ट डेट। जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं तो ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। आप लोग लास्ट डेट का इंतजार करते हो कि लास्ट डेट पे जो है हम फॉर्म को भरेंगे। लास्ट में क्या होता है कि सर्वर बहुत ज़्यादा, सभी बच्चे लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, तो उस समय सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से ढेर सारे बच्चों का फॉर्म नहीं भर पाता। और एसएससी में अभी आप देख पा रहे होंगे रिसेंटली उनकी जो वेबसाइट है वो लास्ट टाइम पे क्रैश हो जाती है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो पहला तो आपसे रिक्वेस्ट ये है। उसके अलावा, अपलोड योर फोटो इन करेक्ट फॉर्म। आपको अपनी जो फोटो है एक वो सही तरीके से भरनी है। उसके लिए आपको कहीं पे, मतलब वहाँ पे जो सबमिट करनी है वो, मतलब वो एक उसका क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया की फ़ोटो आपकी सबमिट होगी, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत आगे नहीं आए। तो इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। जब आप नोटिफिकेशन खोलेंगे, ठीक है, तो उसी में एसएससी ने पूरा सारा कुछ बताया है कि सर्टिफिकेट किस फॉर्म में चाहिए होगा, फ़ोटो किस फॉर्म में हम लेंगे, किस फॉर्म में नहीं लेंगे। तो जो वहाँ पर करेक्ट फ़ोटो दिया हुआ है, ठीक है, उस तरीके का फ़ोटो आपको वहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है, उसको देख लेना और उस तरीके से फ़ोटो आपको वहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये फ़ोटो वाला जो आपका पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा, इफ़ हैव प्रॉपर सर्टिफिकेट देन फिल। ये उन बच्चों के लिए, जैसे कि मान लेते हैं जो ओबीसी वाले बच्चे हैं या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, तो अगर आपके पास क्रूशियल डेट की जो क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान से समझें इस चीज़ को कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस ये जो लास्ट डेट है इससे पहले का है आपके पास, तभी आप ईडब्ल्यूएस में जाइए, अदरवाइज आप यूआर में फॉर्म भरिए, नहीं तो फिर आगे आपको दिक्कत होगी। अगर आप क्रूशियल डेट से पहले का नहीं दे पाएंगे वहाँ पे, तो हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर जो है वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाए। तो अगर आप उस क्राइटेरिया के जितने भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आप मतलब कैटेगरी मतलब चाहते हैं, रिजर्वेशन चाहते हैं, अगर रिजर्वेशन के प्रॉपर सर्टिफिकेट हैं, जैसे एससी एसटी वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओबीसी में आपका देखा जाता है और ईडब्ल्यूएस वालों में देखा जाता है, तो अगर आपके पास प्रॉपर क्रूशियल डेट से पहले के डॉक्यूमेंट हैं तभी आप उस कैटेगरी में जाइए, अदरवाइज आप यूआर में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपको डीबी एसएससी कराएगा नहीं। एसएससी जब कराता था तो आपसे पूछ लेता था कि आप यूआर में कंसीडर होना चाहते हैं नहीं होना चाहते, तो आपको एक मौका मिलता था, अब मौका नहीं मिलेगा। तो अगर अच्छे मार्क्स भी लाते हो फिर भी अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा, यू हैव टू सेलेक्ट योर मीडियम ऑफ टाइपिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो क्या है कि आपकी टाइपिंग भी होगी सभी पोस्ट के लिए। एसएससी ने 2022 से सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग मैंडेटरी कर दिया, जिनमें टाइपिंग पहले नहीं होता था उसमें छूट आपको ज़्यादा मिले, लेकिन टाइपिंग आपको करनी है। तो टाइपिंग आपको हिंदी में करनी है या इंग्लिश में करनी है, उसका जो मीडियम है वो आपको अभी सेलेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको चेंजेस नहीं करने मिलेंगे। तो जिस टाइपिंग के साथ आप सफिशिएंट हैं, जिस टाइपिंग के साथ आप मतलब अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, तो उसका मीडियम सेलेक्ट कर लीजिए। अगर हिंदी में करना है तो हिंदी सेलेक्ट करिए, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में, उसे अभी आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए फैक्टर है, ठीक है। उसके अलावा, आपको जितनी भी आपकी डिटेल हैं उनको आप अच्छे तरीके से भर लीजिए, ठीक है। फॉर्म में जितनी भी जो डिटेल हैं वो आपको अच्छे तरीके से भरनी है। उसके अलावा, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है, फादर के नाम में कोई दिक्कत है, मदर के नाम में दिक्कत है, या किसी भी तरीके कोई दिक्कत है, तो उसको इम्प्रूव आप करा लीजिए, ठीक है। एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर जो डिटेल आपको भरनी है वो करेक्ट डिटेल भरनी है, ठीक है।
तो आपको फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ सारे पॉइंट को कि आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, अपनी जो करेक्ट फोटो है वो आप सबमिट करिए। अगर आप EWS OBC के सर्टिफिकेट जो आपके पास क्रूशियल डेट के हैं तभी आप उस कैटेगरी को ऑप्ट करिए। उसके अलावा आप अपना जो टाइपिंग किस मीडियम में आपको करना है उसको आपको यहीं पे सेलेक्ट करना होगा, तो उसको आपको डिसाइड करना होगा। उसके अलावा जितनी भी डिटेल्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से भरिए, ठीक है। तो ये सब काम आपको करने हैं आपके फॉर्म फिलअप करने से पहले, ये सब चीज़ें देख लीजिए और उसके बाद आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। प्रॉपर टाइम है फॉर्म को फिलअप करने का, फिलअप कर दीजिए, नहीं तो लास्ट में आपको दिक्कत हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।